प्रोटेक्शन, कॉन्टेक्ट लेंस एंड कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग, आई केयर फॉर ऑल टाइप्स। कॉल नाउ, सेल कॉलोनी रोड, चेंबूर, मुंबई। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के मानखुर्द में, और ये जो रास्ता है, ये रास्ता जाकिर हुसैन नगर और बैगनवाड़ी को जोड़ता है, और यहाँ पे फ्लाईओवर है। ये मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत ये आता है, और ये क्लीनअप उसी जो क्लीनअप होती है, ग्रीन मुंबई, क्लीन मुंबई, जैसा कि हम आपको दिखाएंगे इस तस्वीरों में, कि पूरी तरह से ये जो रोड है और वहां पे पूरी रेती है, और इलीगल तरह से पार्किंग खड़ी की जाती है। यहाँ पे 6 से 8 गाड़ियां जो क्लीनअप की गाड़ियां खड़ी है, क्या मुंबई महानगर पालिका या इष्ट विभाग के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो गए? क्या मुंबई ट्रैफिक जो डिवीजन है मानखुर्द का, मार्किंग जो गाड़ियां खड़ी है 6 से 8 गाड़ियां, उनको अनदेखा कर रहा है? क्या उन अधिकारियों की नजर इस गाड़ियों पे नहीं जाती है? जैसे कि अब स्वच्छ भारत की बात हो, देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, पूरी तरह से यहाँ धूल और मिट्टी और रेती पड़ा हुआ है। क्या वो मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हैं? क्या ये पार्किंग के लिए, ये जो हाईवे रोड था, ये पार्किंग के लिए बनाया गया था? अब देखने का विषय होगा, क्या मुंबई महानगर पालिका या प्रशासन इस पे कार्रवाई करेगी या अपना पलड़ा झाड़ देगी? अब ये देखने का विषय होगा। इसी पार्किंग को लेके जो 6 से 8 गाड़ियां हैं, इस पे क्या कहना है? जयराम सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष राजा राम जायसवाल जी क्या कह रहे हैं इस पे, सुनिए जरा। सर, मेरा नाम राजा राम जायसवाल है, मैं जयराम सेवा फाउंडेशन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। ये मानखुर घाट के ऊपर लिंक रोड है, और यहाँ पर शिवाजी नगर से लेके और मानखुर ब्रिज तक जो अवैध पार्किंग चलती है, उसी के अंदर ये 7 से 8 गाड़ियां जो क्लीनअप अप मुंबई महानगर पालिका में जो कचरा उठाने का काम करती है, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे बड़े पैमाने पर बहुत दिन से जो खड़ी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पार्किंग को लेकर बड़ी समस्या का मसला होता है, और रोड पे जो रोड है यहाँ पर एक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, और यहाँ से कम 500 मीटर की दूरी पर मानखुर ट्रैफिक यातायात विभाग है, यहाँ पे सभी अधिकारी बैठते हैं, और इस रोड से बहुत सारे लोग अधिकारी जाते हैं, लेकिन अवैध पार्किंग यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर होती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थानिक जो पुलिस है, यहाँ के ट्रैफिक जो लोग हैं, और यहाँ के जो इलीगल पार्किंग करने वाले लोग हैं, इस इलीगल पार्किंग से बड़े पैमाने पर पैसा कमाते हैं, काली कमाई करते हैं, और सरकार का बड़ा नुकसान होता है। आपको बता दें, पूरे देश के अंदर डीप क्लीनिंग का काम चल रहा है, वहीं पर महाराष्ट्र जो मानखुर एमिस्ट विभाग के अंदर आता है, तो कहीं ना कहीं ये इलीगल गाड़ियों की पार्किंग की वजह से उनकी साफ सफाई का भी नहीं हो पाती है। और आज सिंधे सरकार का जो स्टेटमेंट था कि यहाँ पर डीप क्लीनिंग किया जाए, तो वो कहीं कहीं ये वंचित है उसे डीप क्लीनिंग करने के लिए। यहाँ प्रदूषण की भी समस्या बहुत बड़े पैमाने पर, इसके कारण यही कारण होता है कि जो इलीगल पार्किंग की जाती है गाड़ियों, लेकिन कहीं ना कहीं वो अधिकारी अनदेखी करते हैं इस इलीगल पार्किंग को लेके। तो अनदेखी करने का मतलब है कहीं ना कहीं उनको भी इसका हिस्सा जाता रहेगा, इलीगल पार्किंग का जो कमाई होती है। मानखुर के और जितने भी एमिस्ट वार्ड विभाग के अंदर इलीगल पार्किंग है, और सबसे ज्यादा स्लम इलाका है, तो उनको गाड़ियों खड़ी करने के लिए पार्किंग नहीं मिलती, तो जिसके कारण जो इलीगल पार्किंग जो चलाने वाले लोग है, वो कहीं ना कहीं इस रिक्शे से 20-30 रुपया लेके और पुलिस गाड़ियों का 150 रुपया लेके इलीगल पार्किंग करके कमाई करते हैं, और उस कमाई का जो हिस्सा है स्थानिक जो प्रशासन है उनको भी जाता है, ऐसा माना जाता कि नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता, उनको नहीं जाता। अगर जाता नहीं रहता तो इनके ऊपर पर्दे कार्रवाई होती है और इलीगल पार्किंग खलास हो जाती है। इस पार्किंग को लेके जयराम सेवा फाउंडेशन की तरफ से आगे की लिखित शिकायत पत्र होगी सभी विभाग को, और इनपे पूरे कार्रवाई की मांग कर इलीगल पार्किंग बंद करने की मांग की जाएगी।